आर्या कार टेक इंडिया। और आज दोस्तों जो वीडियो है वो है टाटा एल्ट्रोज के ऊपर, जो कि आपने थंबनेल में देखा कि एल्ट्रोज वाले भाइयों के लिए स्पेशल। तो ये क्या स्पेशल है दोस्तों, वीडियो पे बढ़ते हैं। इंडिया की पहली ऐसी कार एल्ट्रोज पहली ऐसी कार है जिसपे 360 कैमरा इंस्टॉल्ड हुआ है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि इसके इंस्टॉलेशन कैसी हुई है, मतलब इंस्टॉलेशन दैट मीन कि कैमरे कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हुए, ठीक है। सेकेंड इसमें देखेंगे कैमरे का व्यू, और तीसरा मैं दूंगा अपनी गाड़ी का रिव्यू कि कैसे इसके अंदर कैमरे का अभी तक का परफॉर्मेंस मुझे मिला है, कितना बेस्ट अभी तक का मुझे मिला है, ठीक है। तो उसको बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट कैमरा है, फ्रंट कैमरा यहाँ पर लगाया गया है, और इसके चार कैमरे लगे हैं दोस्तों। जैसे कि सेकेंड कैमरा जो हम देख सकते हैं लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन का, उसको हमने यहाँ प्लेस किया हुआ है। इसमें पहले से कंपनी की तरफ से जगह दी गई थी दोस्तों, बट इसमें जो कैमरा फिक्स हुआ है वो यहाँ हुआ है, प्रॉपर फिट हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो इसकी प्लेसमेंट दी गई है कैमरे की, आप देख सकते हैं ये जो कैमरा यहाँ फिट हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए इसमें भी कंपनी की तरफ से जगह दी गई है, बट प्लेसमेंट इसकी यहाँ हुई है। इसकी बैक कैमरे की जो प्लेसमेंट हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बैक कैमरा लगा हुआ है और बढ़िया मजबूती के साथ में फिक्स हुआ है दोस्तों ये, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको वीडियो में। और देखते हैं इसके अंदर जो हमने साउंड सिस्टम कौन सा लगाया है। इसमें हमने हाइपरसोनिक का सिस्टम लगाया है दोस्तों। तो दोस्तों सिस्टम आपके सामने, आप देखिए ये हाइपरसोनिक का सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर। अभी मैं मेनू ओपन करता हूँ, ये 360 में हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों। 360 व्यू के लिए आप देख सकते हैं सामने का लुक इसका आ चुका है। और इसका जो सिस्टम है दोस्तों बहुत बेहतरीन है कि जब मैं गाड़ी ऑन करता हूँ तो आप ये देखिए इसमें कैलिब्रेशन कितनी गजब की गई है। ये टायर के हिसाब से कैलिब्रेशन की गई है। मैं स्टेयरिंग की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये देखिए। ये इसके अगर मैं बात करूँ कैमरे की परफॉर्मेंस की, कैलिब्रेशन की, तो कैलिब्रेशन भी बहुत गजब की इसके साथ में की गई है। और इसी के साथ में इसके सारे व्यूज़ दिखाता हूँ आपको, देखिए 360 व्यूज़ आपके सामने हैं ये। तो दोस्तों इसके साथ में आप देखिए इसके 360 कैमरे का व्यूज आपके सामने है। ये चारों तरफ भी पुल पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो इस तरीके का रिस्पॉन्स इसमें आ रहा है। ये फ्रंट का आपका आ रहा है दोस्तों, मैं गाड़ी अभी बंद करता हूँ। ये फ्रंट व्यू है हमारा, और इसके बाद ये हमारा बैक कैमरे का व्यू है। इसी में हम बात करते हैं, हमारा ये लेफ्ट साइड का व्यू है। तो दोस्तों इसी के साथ में आपको इसके सारे व्यूज दिखाता हूँ। आप ऊपर से सैटेलाइट व्यूज टाइप में देख सकते हैं इसको। इसमें अभी मैं आपको लेफ्ट साइड का व्यूज दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और इसमें एक खास बात है दोस्तों, मैं फिर गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसमें व्हील्स कितने मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, देखिए। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी गाड़ी में 360 के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में जरूर बने रहें। अभी देखिए इसका मैंने आपको लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दिखाया, इसी के साथ में ये लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसी के साथ में राइट का कॉम्बिनेशन है, ये देखिए ये राइट के कॉम्बिनेशन में है। इसके साथ में ये आपका लेफ्ट राइट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आप फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों, ये फोटो कैप्चर हो चुकी है। और साथ ही साथ इसके अंदर दोस्तों आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का भी स्टेटस दिया गया है, जैसे कि कुछ मैं वीडियोस आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने ये गाड़ी का वीडियो रिकॉर्ड किया था, ये इसके अंदर चारों एंगल से आपको वीडियो दिखेंगे, मतलब चारों जो आपके कैमरे हैं उसके वीडियोज़ आपको दिख रहे हैं। ये कुछ वीडियोज़ हैं मेरी गाड़ी के, ये बरसात हो रही थी इसलिए कैमरे पर मिट्टी चली गई थी थोड़ी सी। ये आप देख रहे हैं फ्रंट कैमरे का व्यूज़ आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके फीचर्स के बारे में बताया, अब भी बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर जो है। इसके साथ में आपको मिलती है जो सिस्टम, यूएसबी सिस्टम मिलता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने इसमें पेन ड्राइव लगाया 4 GB की। इसमें आप एक अपनी सिम लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक वाईफाई वाली प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इसके अंदर एक परमानेंट सिम लगा लीजिए आप इसके अंदर। फाइनली दोस्तों बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ, इस कैमरे की परफॉर्मेंस अभी तक की मुझे कैसी लगी। देखिए दोस्तों कैमरे डले हैं सोनी के, अभी तक के परफॉर्मेंस बेटर है। मैंने इसको बरसात में भी चलाया है, ये 2 दिन से मैं दिल्ली से लौटा तो रास्ते में बरसात काफ़ी पड़ी, बरसात में भी इसका विज़न बढ़िया था। नाइट विज़न भी बढ़िया है, नाइट में भी बढ़िया क्लियरिटी के साथ दिखता है। बस थोड़ा बैक कैमरे में अगर मिट्टी बैठ जाती है तभी इसके अंदर ब्लरनेस आती है, वरना इसका लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक का कॉम्बिनेशन मच बेटर है, बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो अभी तक का बढ़िया परफॉर्मेंस इसने मुझे दिया। और आगे जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स इसका मिलता है मुझे, तो वो कॉन्स भी मैं इस वीडियो में आगे वीडियो में डालते रहूंगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।